मेरा नाम सत्यवीर सिंह चौधरी है। अक्टूबर के महीने में मुझे चेस्ट में पेन हुआ तो मैंने एक फिजिशियन को दिखाया, उन्होंने एक चेस्ट का एक्सरे कराया। एक्सरे कराने के बाद उन्होंने कहा कि पल्मोनरी को दिखाइए, तो मैंने जब पल्मोनरी को दिखाया तो उन्होंने एक सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन कराने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरे चेस्ट में राइट हैंड साइड में जो लंग है उसमें एक गुल्ला है और उसका डायमेंशन जो है 15x17 सेंटीमीटर है। तो जब मैंने ये सुना तो काफी डर लगा, तो मेरा एक दोस्त है जो सर्जन है, मैंने उसको कंसल्ट किया। उसने मुझे बताया कि अगर चेस्ट सर्जन नॉर्थ इंडिया में देखना है तो आपको डॉक्टर अरविंद है, आप उनसे मिलिएगा। सतबीर चौधरी जी हमारे पास जब आए थे तो इनका टेस्ट के बाद बुल्ला डायग्नोज हुआ था। बुल्ला लंग के अंदर एक बलून जैसा होता है बड़ा सा, जिसके अंदर हवा तो जाती है लेकिन वो हवा ऑक्सीजन के आदान प्रदान में कोई रोल नहीं करती और वो एक तरह से डेड स्पेस होता है जिससे पेशेंट्स को सांस फूलने लगता है और उनकी कार्य क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो इसके लिए वैट्स यानी कि दूरबीन की सर्जरी बेस्ट मेथड है जो हमने चौधरी जी के में की थी, जिससे कि पेशेंट्स को सर्जरी के बाद पेन कम होता है, उनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है और वो बहुत जल्दी 2 हफ्ते में ही अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हैं, जैसा कि चौधरी जी के साथ हुआ था। और बुल्ला हटने से नॉर्मल लंग फैल जाता है, इससे हमारी कार्य करने की क्षमता वगैरह बढ़ जाती है और मुझे खुशी है कि चौधरी जी इस समय बिल्कुल एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के लंग बुल्ला पेशेंट्स के लिए वैट सर्जरी एक वरदान से कम नहीं है। तो सर के कहने पे और उनकी एडवाइस पे मैंने डिसीजन लिया कि इसको मुझे ऑपरेट कराना चाहिए। मुझे डॉक्टर सुखराम के वो शब्द अभी भी याद है, उन्होंने मुझसे कहा कि आप डरिए मत, अगर आपकी जगह मेरे बड़े भाई होते तो जो ट्रीटमेंट मैं उनको देता वही ट्रीटमेंट मैं आपको दूंगा और आपको यहाँ पे कभी फील नहीं होगा कि आप एक अननोन या एक मरीज के रूप में है। यहाँ पे आप एक फैमिली के मेंबर हैं हम लोगों के, और जब भी आपको कोई जरूरत हो तो पूरा घर और परिवार आपके साथ खड़ा होगा। ये शब्द मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि इन्होंने मुझे मेरा मनोबल बहुत बढ़ाया। डॉक्टर अरविंद ने तो जो किया वो मेरे लिए अतुलनीय है उनके शब्दों में बयान करना, लेकिन उनकी टीम के और जो मेंबर हैं विशेषता डॉक्टर सुखराम, डॉक्टर हर्ष, डॉक्टर विवेक, सिस्टर प्रेरणा, सिस्टर प्रेरणा जी मैं जरूर शब्द कहूंगा कि हम लोग सिस्टर बोलते हैं नर्स को, मैं कभी नहीं समझ पा रहा था कि सिस्टर क्यों बोलते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मेरी देखभाल करी वास्तव में मुझे लगा कि नर्स को सिस्टर ही बोलना चाहिए। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट में दीपिका मैम ने नो डाउट मुझे कभी भी चैन से नहीं बैठने दिया, उन्होंने जब भी मुझे देखा उन्होंने मुझे फिजिकली फिट रहने के लिए मोटिवेट किया। तो यहाँ पे जो टीम है, क्योंकि सर्जरी तो होती ही मेन है लेकिन उसकी रिकवरी जो है वो मुझे लगता है उसमें बाकी टीम का योगदान बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स का, नर्सिस का, फिजियोथेरेपिस्ट का, बाकी सभी स्टाफ का जो योगदान है वो मेरे लिए अविस्मरणीय है। और बाकी सब लोगों को मैं शुभकामनाएं दूंगा इस टीम को कि वो हमेशा के लिए लोगों का ट्रीटमेंट ऐसे ही करें और लोगों के परिवार की रक्षा करें। बस इन्हीं शब्दों के बाद मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। धन्यवाद।